โอ้ฮัลโหลเพื่อนสมัยอัมรัววันยานั่นเลยนะเราสอนเขาเราอ่านมาไว้หัวบทเอาไว้ฉันอาศัยอัมนาณสิทธิ์ของเราเพื่อนสิ่งที่มันใช้อาบอับในโฟนเซฮีอับในการเอไลท์เอวีแฟนออนออฟมันไปไงมันจะเรียนวิดีโอสตาร์ทกันไปไงเราอิสอัมนาณในเอลี่ฮามีอันนี้เราบอกได้ยังออนเอเอ็กซ์ซีฟีโนแฟมิลี่มอร์นิ่งได้ยังออนเอเอรีเน่มอร์นิ่งได้ยังโฟนยานั่นก็โน้ตเพื่อนๆเราอะไรๆยานั่นเอะไม่ใช่จะใช้8ยานั่น16ยานั่นอะไรๆโฟนยานั่นอารมณ์แบบอย่าอันอินโนอันโน้ตอันเปล่าไหม16ยานั่นเอะ8ยานั่นเอะ16ยานั่นอารมณ์ไหมว่าผู้สื่อสารจะอินเนอร์อันโน้ตอันเปล่าไหมในอินฟินิตี้เนี่ยโอนมีทำให้อะไรสมานานับไปเลยนะตัวอันนี้เมื่อวันเมื่อในโฟนยานั่นเอาโอนมาได้ฮะตัวแบบว่าโฟนยานั่นเอามาได้สิทำว่าตอนทำให้อุ่นยำไปว่าจะยึดคอนเนคชั่นกันในอินเนียFriends, उसके बाद हम सबसे पहले अपने Arduino पर ओड अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने Arduino में ओड अपलोड करेंगे तो इसके बाद हमें ये वायर मिलती है तो इसको मैं सिंपली इस तरह से लगा लूँगा और जो इसका दूसरा एंड है इसको हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये ओड है, ये ओड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आप देख सकते हो इस ओड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जो हमारी Arduino IDE ऐप है उसमें पहले जो ये पहले से हवा रहता है उसको डिलीट कर दूंगा मैं। फिर जो ऑल ऑपी आ रहा था वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स पेस्ट करने के बाद इसमें हम चेंजेस करने पड़ेंगे जो एक कंपल्सरी है। यहाँ पर आप देखोगे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जो ये लिखे टर्न ऑन लाइट। तो अगर आप यहाँ पर टी वी की कमांड देना चाहते हो तो आप लिखोगे टर्न ऑन टी वी। फिर उसके बाद टर्न ऑन एल ई डी है तो अगर आपको टर्न ऑन फैन लिखना है तो फैन लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको चारों में करना है। फिर फ्रेंड्स आपको लिख के आना है और यहाँ पर हम देखोगे टर्न ऑफ लाइट लिखे ना जैसे यहाँ पर, तो हमें इसको भी चेंज करके लिख देना होगा। जैसे आपको टी वी ऑफ करना है तो आप टर्न ऑफ टी वी लिख सकते हो। जो सबसे पहले ऊपर लिखा है टर्न ऑफ टी वी वहीं यहाँ पर लिखना है। फिर सेकेंड नंबर पर अगर टर्न ऑन लाइट लिखोगे तो यहाँ टर्न ऑफ लाइट। बस इस प्रकार से आपको लिख लेना है और अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना Arduino Uno या Arduino Nano। उसके बाद आपको पोर्ट सिलेक्ट करके कोड को सिंपली अपलोड कर देना है। Arduino पर कोड अपलोड करने के बाद ये हमारा सर्किट डायग्राम है। हमें Arduino Uno के साथ अपने Arduino मॉड्यूल को इस प्रकार से कनेक्ट करना है। ये फोन के अंदर Arduino मॉड्यूल है और इस सारे को बनाने के बाद हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि Arduino में तो हमें 9 वोल्ट की देनी चाहिए या 12 वोल्ट की। दोस्तों हमने जो ये सारा सिस्टम बनाया है इसमें रिले मॉड्यूल को 5 वोल्ट की चाहिए होती है, तो अगर हम उससे ज़्यादा देंगे तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम सारे सिस्टम को 5 वोल्ट देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें अगर अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को तो हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन करनी है। तो फ्रेंड्स ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे AMR-V। फिर जो फर्स्ट ऐप हमें देखेगी बीटी वॉइस कंट्रोल फॉर Arduino, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम फ़ोन के ब्लूटूथ में जाएंगे और इस समय पर जो हमने सिस्टम बनाया है अपना होम ऑटोमेशन का वो ऑन होना चाहिए और हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। और फिर हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर X05 जो ये हमारे ब्लूटूथ का नाम है, सिंपली हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम अपनी ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे ऊपर, तो फिर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट रोबोट का, हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर कनेक्ट रोबोट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा क्योंकि हमने अपने X05 से कनेक्ट करा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा X05। सिंपली हम इस पर टैप करेंगे। फ्रेंड्स टैप करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। सिंपली आपको माइक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने कोडिंग में जो भी कमांड दे रखी है जैसे कि टर्न ऑन फैन, टर्न ऑन लाइट, आप सिंपली कमांड देंगे तो आपका सिस्टम वर्क करेगा। फ्रेंड्स जब हमारा सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, हमारी ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो हमें बस अपने मेन कनेक्शन करने हैं रिले मॉड्यूल के साथ जो कि आप अपने आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी मर्जी, अगर आपको लाइट कनेक्ट करनी है, फैन कनेक्ट करना है या टीवी एसी कुछ भी कनेक्ट करना है, तो आप सिंपली रिले मॉड्यूल के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपका जो सारा सिस्टम है वो वर्क करेगा।
Friends, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।